अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इस्मतुल्लाह काकड़ और आप देख रहे हैं हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल ए के टुडे। नाज़रीन, हमारे जो मोटरवे आले हजरात है नीचे के, इनकी अप्रिसिएशन अगर हम नहीं करेंगे तो यकीनन ये नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि ये लोग क्वेटा से लेकर पंजाब तक जो इस रूट पर ये लोग टफ टाइम में ड्यूटी दे रहे मोटरवे वाले जो हमारे दोस्त है, ये जो टफ टाइम में इस सर्दी हो, सैलाब हो, बारिश हो, तूफान हो, हर हाल में ये लोग अपनी खिदमत जारी रखते हैं। इस वक्त भी रात से बर्फबारी शुरू है, कान मतरजी के मकाम में मैंने इनके मशीनी भी देखा लगे हुए थे, और इनसे बात इमदादुल्लाह साहब खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप लोगों की टीम कहाँ कहाँ पे एक्टिव है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने अपने आईजी साहब की, जनाब खालिद महमूद साहब की डायरेक्शन पे एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है। हम अपने स्टार्ट पॉइंट हमने एक ज्यारत क्रॉस रखा हुआ है और मुस्लिम बाग क्रोमपुर होटल पे, वहाँ पे हमारी ब्रीफिंग स्टार्ट है। हम गाड़ियों को वहाँ पे ब्रीफ कर रहे हैं कि आपने अपनी स्पीड जो है वो स्लो करनी है। उसके अलावा हमारे साथ सिस्टर एजेंसी NHA, PDMA, लेविस फोर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बड़ा अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं और हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं और रोड को हमें वो क्लियर दे रहे हैं। अभी भी उनकी मशीनरी मुख्तलिफ मुकामात पर काम कर रही है, तो मेरी रोड यूज़र से गुजारिश है कि आप इन दिनों में थोड़ा सा गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। सर, आप इस वक्त कान में तरजी में हो, आप क्या एक्सपेक्ट करो, कितनी बर्फबारी हुई है? तकरीबन एक फुट से अबाव यहाँ पे जम चुकी है बर्फ। जी, ये तकरीबन सुबह 4:30 बजे की शुरू है और जो फोरकास्ट है वो तकरीबन शाम 6 बजे तक जाएगा, और मेरे अंदाजे के मुताबिक अब तक ये तकरीबन एक फुट से थोड़ा ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है इस एरिया में। अगर ये इसी सिलसिले में 6 बजे तक रहा तो ये तकरीबन 1 गज तक, 3 फुट 2 फुट तक जा सकती है बर्फ़। देखें जी, दुआ करते हैं हम अल्लाह ताला से कोई ऐसे हालात पैदा ना हों, लेकिन हम भी पूरी तरह अलर्ट हैं और हमारी जो सिस्टर एजेंसीज़ हैं वो भी पूरी तरह अलर्ट हैं, और अगर ज़्यादा चांसेस हुए इस तरह के तो फिर हम ट्रैफिक को रोकेंगे अपने स्टार्ट पॉइंट्स पे ताकि वो दरमियान में आके स्टक ना हो। रेस्क्यू काम की PDMA की टीमें आपने देखी हुआ है? वो जी, PDMA काम कर रही है, NHA भी काम कर रही है, और हम खुद भी जब कोई ऐसी सिचुएशन होगी हम ट्रैफिक को सेफ़ जगह पे रोकेंगे होटल्स पे ताकि वो अपना वहाँ पे आराम वगैरह करें। जी नाज़रीन, ये थे मोटरवे पुलिस अफसर के अफसर इमदादुल्लाह साहब। यकीनन इनका कहना था, हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स पे अपने जो है मशीनरी है उनको इंस्टॉल की हुई है, हम मुख्तलिफ जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसके लिए रेडी है, उसका जो सूरतयाल है वो हम जो है देख रहे हैं। इसी के साथ इंशाल्लाह आगे मज़ीद भी जो टीम्स हैं उनकी भी जो काम उन्होंने किए, जो एफर्ट उन्होंने किया, उसको अपने स्क्रीन ए के टुडे पर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग तब तक देखते रहे ए के टुडे। चलो, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।